बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे वीरन वीरनी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो देख लिया आज हम आप क्या बनाने जा रहे हैं। हमने ले लिया जी 3 kg के, 3 किलो से थोड़ा सा कम था मैडम। हमने दुबे का लिया, आप चाहें तो बकरे का ले लें या जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम आज बनाने लगे हैं जी मटन कढ़ाई, मतलब कि चस्सी मटन कढ़ाई। तो सिंपल है, आसान है ना। आप बहुत सारी वीडियो हैं आपने देखी होंगी ना, लेकिन फ़र्क यह है कि आदमी सीधी सीधी सी बात बता रहे ना, तो सबके लिए आसानी हो जाती है। तो हमारा मकसद है कि बहन भाइयों के लिए जितनी आसानी हो सके उतनी पैदा कर दें। तो इस रेसिपी में बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, सिंपल है, आसान है। सब्ज़ मिर्चें, नमक और थोड़ा सा पानी और ऑयल और मटन, बस सिंपल है। तो देखते हैं जी, आपको दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। जब भी कोई मेहमान वगैरह आ जाए, हम लोग तो वैसे अक्सर ऐसे ही करते हैं फटाफट। ये सिंपल है ना, इससे आसान रेसिपी मुझे नहीं लगता कि वो। तो ये हमने मटन डाली है कढ़ाई में, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला था, अब मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक मटन का कलर चेंज ना हो जाए। हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें चर्बी काफ़ी हद तक थी, तो हमने चर्बी से काम चलाना है। अब ऊपर से हमने 1 किलो टमाटर डाल लिए। टमाटर आप कोशिश करें थोड़े अच्छे पके हुए, लाल रेड वाले मिल जाएं। हमारे पास आज ऐसे ही आए थे तो हमने वही उठाए, फटाफट शापर में डाले और ला के घर में काट पीट के। तो अब इसके ऊपर डाल दें, अब इसको कर देना है कवर। इसमें फ़िलहाल हम कुछ नहीं डाल रहे, सिंपल है। कवर करेंगे इसको 10 से 15 मिनट कवर करने के बाद, जैसे ही टमाटर हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाए इनको कर लेंगे मैश। इनको अच्छी तरह मैश कर लेना है ताकि इनकी बहुत प्यारी सी फोमी सी ग्रेवी बन जाए। तो जैसे ही टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे, फिर हमने करना क्या है जी, फिर हमने इसमें कर देना 1 गिलास पानी का हेट। पानी 1 से 1.5 गिलास जितना आप चाहे रख लें, लेकिन कढ़ाई है तो कढ़ाई में फिर बहुत ज़्यादा वो ग्रेवी टाइप अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही पानी डालेंगे, साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक जितना आपको ज़रूरत हो। आप चाहें तो पहले भी डाल लें, जब जैसे आपने कढ़ाई में मटन ऐड किया तो आप उस टाइम भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन पानी के साथ डालेंगे, पानी डालने के बाद डालेंगे तो फिर वो एक, ये एक टिप है, एक ट्रिक है, तो समझें आप। तो आपने भी इसी तरह ऐड करना है। तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, जैसे ही नमक ऐड करेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची डाल दें, मिक्स करके कवर कर देंगे इसको 40 से 50 मिनट के लिए। 40 से 50 मिनट के बाद जब इसको कवर हटाएंगे तो ये कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा अगर पानी नज़र आए तो फ्लेम हाई करके इसको, पानी को ड्राई कर लें। तो सिंपल है। फिर उसके बाद हमने करना ये है कि 2 अदद हम डालेंगे इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची साबत। आप चाहे तो काट के डाल लें, चाहे तो हमारी तरह साबत ही डाल लें। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें ना 2 से 3 इलायचियाँ डाल लें, 2 से 3 लौंग डाल लें थोड़ी सी, मतलब खुशबू के लिए, वरना ये चीज़ें भी इसमें नहीं डाली जाती। तो जैसे ही सब्ज़ मिर्ची साबत सब्ज़ मिर्ची डालेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के, अल्ट पल्ट करने के बाद करना क्या है जी, फिर रेडी टू गो, फिर आप खाएं मज़े करें। अच्छा, ये रेडी हो जाती है तो इतनी देर आपने पका लेनी है, 40 से 50 मिनट में लोड मीडियम फ्लेम, बिल्कुल अच्छी तरह मटन टेंडर हो जाता है। तो इससे पहले भी हो जाता है अगर जितना वो जानवर छोटे बड़े के हिसाब से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई ज़रूर करेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, हमें रखिए अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इसी तरह कोशिश करेंगे शॉर्ट सी वीडियो हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और अच्छी तरह जितना भी हम कोशिश करेंगे इजी तरीके से बता सकें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएंगे। तो फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।